स्टार प्लस के मशहूर सीरियल गुम है किसी के प्यार के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आज सवी पूरा दिन सई के साथ रही क्योंकि आशिका कहीं गई हुई थी और सवी ने सई की देखभाल भी करी बहुत अच्छे से। रजत अपने घर में सई की याद में रो रहा था, उसे सई की बातें याद आ रही थी, सई बहुत याद आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, फिर आशिका भी अपने घर पहुंची और सवी सई को लेकर गई आशिका के घर। जी हाँ, वापस सई को घर पहुंचाने। तो वहीं पर आशिका ने सवी को गिफ्ट दिया, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए आज गिफ्ट लाई हूँ। तो सवी कहती है, मेरे लिए क्यों गिफ्ट लाई हो? आशिका कहती है कि तुमने आज पूरे दिन भर सई का ख्याल रखा, उसे खुश रखा। तो इसके बाद सवी कहती है कि मैं सई के लिए जो भी करती हूँ वह दिल से करती हूँ, किसी गिफ्ट के लालच में या किसी भी चीज़ के लालच में नहीं करती। इसके बाद आशिका सवी से कहती है कि सवी कल सई की कस्टडी की फर्स्ट कोर्ट हियरिंग है, तो तुम भी वहाँ आना, इससे सई को भी अच्छा लगेगा और तुम हमें सपोर्ट करना। यहाँ पर सवी कहती है कि मैं तुम्हें फेवर क्यों करूँ, अगर सई के फादर उसे टाइम नहीं देते तो सई की माँ भी उसे कौन सा टाइम दे रही है। जब आशिका सवी की अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हुए कहती है कि तो सवी तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरे बहुत ज़रूरी काम था इसलिए मुझे जाना पड़ा, मैं चली गई थी बिना बताए, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि सई की कस्टडी रजत ठक्कर को मिल जाए। यहाँ पर सवी कहती है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता और मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि सई किसके साथ खुश रहेगी, अपनी मम्मी के साथ या पापा के साथ। मैं कोई भी डिसीज़न नहीं लेने वाली, जो करेगी कोर्ट करेगी, जो फैसला होगा वह कोर्ट का होगा और सही का होगा, हम कौन होते हैं उसके लिए फैसला लेने वाले, उसकी जहां खुशी है वो वहीं जाएगी। और तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड को देखने के लिए और आप सबकी क्या राय है, क्या चाहते हैं कि सही की कस्टडी किसको मिलनी चाहिए, रजत को या फिर आशिका को? वैसे तो सही का सबसे ज़्यादा ख्याल सभी रखती है, तो कोर्ट को सभी को ही सही देना चाहिए, लेकिन वो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही अपडेट्स के लिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा ढेर सारे कमेंट करके।